अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सैयद एहसन अली है और मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे पास ये गाड़ी है होंडा सिविक, जिसका मैं आज आपसे अपना यूज़र एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ये गाड़ी होंडा सिविक EXi 2006 EXi मैनुअल है, बेसिक वेरिएंट है ये। ये गाड़ी मैंने आज से 4 मंथ्स बैक 12,50,000 की परचेज़ की थी और अभी मैं इसको तकरीबन 4,000 किलोमीटर्स ड्राइव कर चुका हूँ। और सलमान भाई, क्या कर रहे हैं? यार गाड़ी बेचने का सोच रहा हूँ, लेकिन ना समझ नहीं आ रही कि ऐड कैसे लगाऊँ। यार तीन सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले गाड़ी की पिक्चर्स पोस्ट करें, उसके बाद आपने टाइपिंग की जरूरत नहीं है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के अंदर से डिस्क्रिप्शन निकालें और उसके बाद रीजनेबल प्राइस लगाएं, तो बस पोस्ट एंड ऐड पर क्लिक करें और ये गई आपकी गाड़ी। सर बिक गई। EXi में 1.5 इंजन आता है नॉन VTEC, लेकिन इंजन इसका किसी भी हवाले से अंडर पावर फील नहीं कराता आपको। इंजन की पावर अच्छी है, ऑप्टिमल है। अगर इसमें 5 persons भी बैठे हों गाड़ी में, इंजन आपको अंडर पावर फील नहीं कराता। ये गाड़ी लेने के लिए मेरे पास जो बजट था वो मेरे पास 13-14 lakhs के दरमियान था और मैं ऐसी गाड़ी चाह रहा था जिसमें स्पेस का मैं मुझे कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, क्योंकि हमारी 5 persons की फैमिली है। तो मैं कह रहा था कि ऐसी गाड़ी हो जिसमें पीछे 5 बंदे ईजिली बैठ सकें। मेरे पास इस बजट में और होंडा सिटी थी 2006-07 वाली IDSi जो होती है, और करोला GLi थी 2006-07 वाली। लेकिन करोला मैंने इसलिए कंसिडर नहीं की क्योंकि उसकी ड्राइव और इसकी ड्राइव में मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है। इसकी हैंडलिंग और करोला की हैंडलिंग में काफ़ी फ़र्क है। उसकी ब्रेक्स भी इतनी अच्छी नहीं है। इसकी ब्रेक्स इसमें अलबत्ता ABS नहीं है, लेकिन इसमें 4-wheel disc आती हैं। तो और इसमें करोला इस बजट में अच्छी कंडीशन की मिल भी नहीं रही थी। अगर बात कर लीजिए इसकी फ्यूल एवरेज की, तो ये गाड़ी मुझे लोकल में विद AC 10-11 करती है, और लॉन्ग पे ले जाऊँ इसको तो मैं ये 13-14 करती है अगर आप इसको कांस्टेंट 100-120 पर चलाएं। अगर गाड़ी में स्पेसेस की बात की जाए तो आपको फ्रंट पर 2 cup holders मिलते हैं। फ्रंट 2 doors में आपको स्पेस मिलती है जहाँ पे आप अपने कुछ भी फाइल या कुछ छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं। पीछे बैक सीट पर आपको 2 cup holders मिलते हैं। अगर बात कर लीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी मॉडर्न है और अभी भी गाड़ी आपको आउटडेटेड किसी भी हवाले से फील नहीं होती। इसमें पहले इस गाड़ी में इसका हेड यूनिट था कैनवोड का था, इसमें सिंपल DVD प्लेयर था, तो उसको मैंने रिप्लेस करके इसमें अब एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल किए, तो जिसकी वजह से मैं अब मैप्स और डिफरेंट एप्लीकेशंस को इसके थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। AC इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। आपको गर्मी के मौसम में भी गाड़ी किसी हवाले से आपको AC में कंप्लेंट्स नहीं आती, आपको अच्छा AC की थ्रू अच्छी है। पिछले जो पैसेंजर हैं उन्होंने भी कभी कंप्लेंट नहीं की इसके AC की। AC इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। अगर बात कर लीजिए गाड़ी की कंफर्ट की, तो गाड़ी अपने एरा के लिहाज से अगर आप इसको देखें तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इसमें अगर आप फ्रंट के लेगरूम की बात कर लें तो लेगरूम काफ़ी अच्छा है। अब जिस तरह मेरी हाइट 6'2" है, लेकिन मुझे इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। और अगर बात कर लीजिए इसकी रेयर की लेग स्पेस की, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने अपनी फुल सीट भी पीछे की हो तो एक नॉर्मल हाइट का पर्सन बैठ सकता है। और इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें पीछे 3 persons ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं इस गाड़ी में। अगर हम गाड़ी में इसकी ट्रंक स्पेस की बात करें, तो ट्रंक स्पेस इसकी काफ़ी डिसेंट है। इसमें आप 3 बड़े बैग्स और 2 छोटे साइज़ के बैग्स ईजिली कैरी कर सकते हैं। गाड़ी की अगर हम हैंडलिंग की बात करें, तो गाड़ी का हैंडलिंग के हवाले से काफ़ी स्टेबल है। लो स्पीड्स पर भी और हाई स्पीड्स पर भी गाड़ी को मैंने टर्न्स करा के देखा है, लेकिन गाड़ी रोड नहीं छोड़ती। ऑब्वियसली आप इस गाड़ी को आप मॉडर्न गाड़ियों से, जिस तरह के सिविक एक्स है, उसके हैंडलिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देख लें इसके साथ की जो करोला थी उस दौर में, करोला थी, सिटी थी, उनसे इस गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है। इस गाड़ी में जो मैं ऑप्शंस मिस करता हूँ वो सबसे ज़्यादा एक तो ABS है और दूसरा रिट्रैक्टेबल मिरर्स, क्योंकि ABS और रिट्रैक्टेबल मिरर्स VTI में आते थे और EXi में उन्होंने ऑप्शन स्किप कर दी थी, तो इसमें मैं वो दो चीज़ें बहुत मिस करता हूँ। इस गाड़ी को जो सबसे इसका इशू था इस गाड़ी में, वो इसकी एवरेज का ही था कि सब कहते थे कि इस गाड़ी की एवरेज अच्छी नहीं है इस गाड़ी में। ये गाड़ी एक्चुअली मैंने आज से 1 साल पहले 2004 मॉडल मेरे पास EXi थी मैनुअल में, उसकी एवरेज भी मुझे 10-11 थी और इसकी एवरेज भी मुझे 10-11 मिलती है। असल में इसमें जो प्रॉजमेटिक है एवरेज, उस गाड़ी की ख़राब है। मैनुअल वेरिएंट अगर आप अच्छी गाड़ी देखते हैं, मैनुअल अच्छा है, उसके इंजन की हेल्थ अच्छी है, तो आपको और आपके फुट पर भी डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज इस गाड़ी की डिसेंट है, 10-11 आपको लोकल में दे देती है। गाड़ी का रिस्पॉन्स स्मूथ रोड पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही इस गाड़ी को आप थोड़ा सा ऐसी रोड पर लेकर जाए जहाँ पर खड्डे वगैरह, तो वहाँ पर इसकी सस्पेंशन का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। इसी के साथ ही अगर आप करोला चलाएं तो आपको करोला फील नहीं कराती। ये एक इन दोनों गाड़ियों में एक फ़र्क है कि करोला, इसीलिए करोला आप जब भी जाएं, आप आउट ऑफ सिटी जाएं, इलाकों में जाएं, देहातों में, तो वहाँ पे आपको करोला ही नज़र आएगी। सिविक और सिटी की आपको प्रेजेंस ना होने के बराबर नज़र आएगी।
इसका ऑयल चेंज जो है मैं गाड़ी का 6000 किलोमीटर्स के बाद करता हूँ और मुझे इस पर तकरीबन 6500 कॉस्ट आती है। अगर इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें हम, तो इसके पार्ट्स गाड़ी में के इजीली अवेलेबल हैं। इसमें आपको जो है ओईएम पार्ट्स से लेके थाई पार्ट्स, काबली पार्ट्स, आपके पास डिफरेंट वेराइटी में पार्ट्स अवेलेबल हैं, आपको ईजिली इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। और प्राइसेस भी अगर हम इसकी देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है प्राइसेस भी इस गाड़ी के पार्ट्स की। ये गाड़ी मेरी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इस्लामाबाद में मुझे इसका टोकन की कॉस्ट आती है 4000। हम अगर इस गाड़ी की रीसेल की बात करें तो इस गाड़ी की रीसेल काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप सबको ही पता है जो नई गाड़ियों की प्राइसेस हाइक कर चुकी हैं, तो उस हवाले से अब ये गाड़ियाँ बहुत, इन गाड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई हैं। ये गाड़ी ईजिली विद इन 4 to 5 days में सेल हो जाती है। मैं इस गाड़ी को अगर अभी बेचने जाऊँ तो ये पैसे तो बिल्कुल नहीं तोड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि हर दिन गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो और ये सेल भी इजीली हो जाएगी और पैसे भी गाड़ी नहीं तोड़ेगी। जब मैंने अपनी लास्ट गाड़ी बेचने का प्लान बनाया तो मेरे जहन में इंस्टेंट पार्क फील्स ही आया, क्योंकि उससे ज़्यादा फैसिलिटेट आपको आजकल कोई नहीं करता। मैंने ऐसे ही किया, मैंने गाड़ी की अच्छी सी पिक्चर्स ली, अच्छी डिटेल लिखी गाड़ी की, और मैंने गाड़ी का एड पोस्ट किया पार्क फील्स पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मेरी गाड़ी 3 days के अंदर सेल होगी, ऑल थैंक्स टू पार्क व्हील्स। आई होप मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी इस तरह की यूज होंडा सिविक खरीदना चाहते हैं तो आप पार्क व्हील्स के यूज्ड कार सेक्शन पर जाएं, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी ऑप्शंस मिल जाएंगी। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप पार्क व्हील्स का चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।